Hi everyone, welcome to Unacademy. This is Aartee Mishra. Guys, हम नितिन सिंघानिया की समरी को कवर कर रहे हैं और आज के लेसन में भी हम लोग नितिन सिंघानिया को आगे बढ़ाएंगे. आज हम पेंटिंग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. इंडियन पेंटिंग्स के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा. So let's start. Just wait. Give me 2 minutes. Let me check कि सब कुछ ठीक है या नहीं. गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग. ओके, आई कैन सी कि साथ काफ़ी लोग आ चुके हैं. ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ. पिछली क्लास में हमने पूरा जो मुगल आर्किटेक्चर है एंड मॉडर्न एंड इंडियन आर्किटेक्चर सब कुछ कवर कर लिया है. इसके बाद हमने इंडियन पेंटिंग को शुरू किया था जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को कवर किया. इसके पिछले के अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो आप अनअकैडमी पे जा सकते हैं, अनअकैडमी के चैनल में, और आप वहाँ पर वीडियोज़ को, पिछले लेसन्स को सर्च कर सकते हैं. क्लासेज हमारी डेली होती है 9:30 से 10:30, एज वी नो. तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे शुरुआत हुई है पेंटिंग्स की. बहुत पुराने समय से ही पेंटिंग्स की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले जो हमें पेंटिंग्स मिली थी वो मिली थी भीमबेटका केव्स में. जो भीमबेटका पेंटिंग्स हैं वहाँ पर एनिमल्स बहुत ज़्यादा पेंट किए गए हैं. काफ़ी सारे एनिमल्स को पेंट किया गया है भीमबेटका पेंटिंग्स में. इतने सारे एनिमल्स हैं कि उसे जू रॉक शेल्टर कहा जाता है बिकॉज इट डिपिक्ट्स सो मेनी एनिमल्स लाइक एलिफेंट, डायनासोरस, कैटल, स्नेक, स्पॉटेड डियर, बारहसिंघा, ये सब कुछ. हमने अपर पेलियोलिथिक जो एज है कवर किया, मीज़ोलिथिक कवर किया एंड कैलकुलिथिक पीरियड कवर किया. हमने इसके बाद ये जाना था कि जो म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं वो कितने बड़े साइज की होती हैं और किसी भी मंदिर की दीवार पर या गुफा की दीवार पर उनको बनाया जाता था. तो हम ये देख चुके हैं कि जो नेचुरल केव्स या रॉक कट चैम्बर्स हैं उसके ऊपर म्यूरल पेंटिंग्स हुआ करती थी, जिसमें से एक है जनता केव पेंटिंग. देन हमने एलोरा केव पेंटिंग्स को भी कवर करना था. देखिए, एलोरा केव पेंटिंग में हमने ये देखा कि जो म्यूरल पेंटिंग्स है एलोरा केव्स के अंदर वो सिर्फ 5 केव्स में ही है और ज़्यादातर वो जो कैलाश टेम्पल वाली केव्स हैं वहीं तक सीमित है. सिर्फ वहीं तक ये सीमित है. ये जो पेंटिंग्स हैं ये तीनों रिलीजन से रिलेटेड है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म. फिर आती है बाग केव पेंटिंग. बाग केव पेंटिंग में हम देखते हैं कि ये अजंता स्कूल का एक एक्सटेंशन है. बाग केव्स है मध्य प्रदेश में और यहाँ हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जो डिज़ाइन अजंता केव्स में यूज़ हुआ है वही डिज़ाइन, वही एग्जीक्यूशन, वही डेकोरेशन हमें बाग केव्स में भी देखने को मिलता है. बस मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ जो बाग केव में पेंटिंग्स हैं वो थोड़ी टाइटली मॉडल्ड हैं, थोड़ा इसका स्ट्रॉन्गर आउटलाइन है और थोड़ी ज़्यादा ये अर्थली एंड ह्यूमन है, जितनी अजंता केव में नहीं है. अब आप मुझे ये बताइए कि आउटलाइन करने के लिए वो कौन से कलर का यूज़ करते थे अजंता केव पेंटिंग जब हमने स्टार्ट किया था, तो आउटलाइन करने के लिए वो लोग क्या यूज़ करते थे, कौन सा कलर यूज़ करते थे? पहले आउटलाइन करते थे फिर अंदर फिलिंग करते थे पेंट की. कौन सा रंग था वो? शिशिर प्रिया, आप पूछ रहे हो कि आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सी बुक सही रहेगी.
आप नितिन सिंघानिया की बुक ले सकते हैं एंड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं साथ साथ. यस, रेड रेड इज द राइट आंसर. परविंदर सिंह ने राइट आंसर दिया है रेड. रेड इज द राइट आंसर. ठीक है, तो रेड सही आंसर है. और नसीम जीनियस, आप पूछ रहे हो कि कौन सा रिलीजन पहले आया, बुद्धिज्म या जैनिज्म. ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है नसीम. ऐसा माना जाता है कि दोनों सेम ही एरा में डेवलप हुए हैं और एक ही टाइम पे आए हैं. लेकिन पहले, कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म आया और फिर जैनिज्म आया. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो जैनिज्म है ना, उसको कई लोग क्या करते हैं, वर्धमान महावीर से जोड़ करके देखते हैं. जैनिज्म के फाउंडर वर्धमान महावीर नहीं थे. जैनिज्म उनके आने से पहले, कई साल पहले शुरू हो चुका था. वो सिर्फ 24th तीर्थंकर थे. वो 24वें धर्मगुरु थे. तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? धर्मगुरु. उन्होंने शुरुआत नहीं की थी, ही वॉज नॉट द फाउंडर. वो जस्ट इसके तीर्थंकर थे, 24वें धर्मगुरु थे. और उसमें उन्होंने क्या किया कि अपनी जो टीचिंग्स उन्होंने दी, तो उन्होंने जो पांचवा टेनेंट है यानी कि ब्रह्मचर्य, वो जोड़ा था जैनिज्म के अंदर. इससे पहले कि जो पुराने अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह जो पहले चल रहे थे, वो सारे चारों टेनेंट पहले से ऑलरेडी थे. जस्ट पांचवा जो ब्रह्मचर्य वाली बात है, वो उन्होंने यानी कि महावीर ने दी थी. तो वो बुद्धिज्म में, आप समझिए कि बुद्धिज्म जो है, अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो बाद में आया, और जैनिज्म काफ़ी पहले से आया. लेकिन अगर आप महावीर और बुद्धा को कंपेयर कर रहे हो, तो वो बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है. ठीक है, अच्छा चलिए, अब इसी बात पे ये भी बता दीजिए कि कौन है वो जो फाउंडर है जैनिज्म के, फर्स्ट, जो फर्स्ट. यस यस, राहुल कुमार ने राइट आंसर दिया है, ऋषभदेव. राइट, ठीक है, ओके. चलिए, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि जो रेड कलर है वो पहले अंदर, पहले आउटलाइन होगा, उसके बाद फिर उसमें पेंट किया जाता था. ठीक है, तो चलिए, अब हम ये समझ चुके हैं कि बाघ केव में और अजंता केव में क्या डिफरेंस है. बिल्कुल बाघ केव उसी का एक्सटेंशन लगता है. सेम स्टाइल, सेम टेक्निक, सेम एग्जीक्यूशन, सेम डेकोरेशन, बट बस एक डिफरेंस है कि बाघ केव्स में ये टाइटली मॉडल्ड है. ठीक, अब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ आप फिगर देखिए, बाघ केव की ये फिगर्स हैं. ये दिखाती है कि ये जो पेंटिंग है ये कैसे, मतलब टाइटली मॉडल थी. तो केव नंबर 4 जो है उसको रंग महल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्यूटीफुल म्यूरल पेंटिंग्स हैं और इसमें बुद्धिस्ट एंड जातक टेल्स जो है वो दिखाई गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अजंता में. अजंता केव में जो पेंटिंग्स थी उसमें हमें क्या थीम मिलता था? अजंता पेंटिंग जो हो रही थी उसका क्या थीम था? व्हाट वाज द थीम? देखिए, जातक टेल्स जो होती है ना, जोहेद खान, जातक टेल का मतलब क्या होता है? जातक कथाएं. ये जो कथाएं हैं ये बुद्ध की जीवन से रिलेटेड कथाएं होती थी. ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेने से पहले, इससे पहले भी कई और रूप में उन्होंने अवतार लिया था. कभी वो जानवर के रूप में पैदा हुए, कभी वो किसी और रूप में पैदा हुए. तो जिस जिस रूप में वो पैदा हुए, जैसे उन्होंने सोसाइटी को देखा, सोसाइटी ने जैसे उनको देखा, उन्होंने जैसे सोसाइटी को प्रभावित किया, सोसाइटी ने जैसे उनको प्रभावित किया, उस बेसिस पर कई सारी कहानियां बनाई गई. और ये जो कहानियां हैं ये मॉन्क्स और जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा बनाई जा रही थी. तो ये जातक कथाएं जो हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड कहानियां हैं, जो बुद्धा की लाइफ की स्टोरीज हैं. और इसमें से कुछ कहानियां जो है उसमें अतिशयोक्ति भी है. बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते जो इस कहानी में लिखा है बिल्कुल सच है. हम इसे कहानी कह रहे. कहानी का मतलब ही क्या होता है? जो कुछ कहा हुआ है, कहा सुना, वो सच नहीं होता. यस, जातक जो कथाएं हैं यानी कि बुद्धिज्म से जो रिलेशन है वो इससे रिलेशन होता रहता है. एंड हम इसमें देखते हैं कि जो बाघ के पेंटिंग है इसमें भी बुद्धिस्ट और जातक टेल्स का बहुत ज़्यादा रिलेशन है. अब हम ये देखते हैं कि थोड़ी ये स्कैंटी हो गए, डीके हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें रिलीजियस थीम है. और इसमें जो है उस टाइम की जो लाइफस्टाइल थी लोगों की और जो लोगों का सेकुलर नेचर था वो हमें देखने को मिलता है. राइट, ये हमें देखने को मिलता है. अच्छा गाइस, अब हम मिनियाचर पेंटिंग की बात करेंगे. हमारा म्यूराल पेंटिंग कवर हो गया. ठीक, म्यूराल पेंटिंग इज डन. म्यूराल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूराल? क्या बताया था कल? म्यूराल पेंटिंग्स किसको कहते हैं?
जो कि बड़ी बड़ी दीवारों पर बनाई जा रही है, वॉल पर बनाई जा रही है। किसकी वॉल पर बना जा रही है? केव की वॉल पर, टेम्पल की वॉल पर। क्या इसको कभी पेपर पर बना सकते हैं? क्या हम म्यूरल पेंटिंग को कभी पेपर पे, कैनवस पे बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो, नेवर, इट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, ये कभी भी हम पेपर पे नहीं बना सकते। ये वॉल पेंटेड होती है, ये वॉल पेंटिंग होती है, ये बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा पार्ट कवर कर रहे हैं मिनियाचर पेंटिंग का। अब हम लोग मिनियाचर पेंटिंग का जो पार्ट है वो कवर करेंगे। देखिए, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज। कल मैंने आपको एक कोड बताया था, दैट वॉज नॉट वर्किंग। एक्चुअली उसमें आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको @gmail.com भी लिखना है, तब वो कोड वर्क करेगा। मिश्रा आरती @gmail.com। आप ये कोड अगर यूज़ करते हो तो इस कोड के ज़रिए यूज़ करते हुए आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कोई अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना था मुझे, क्योंकि कल जो है कुछ लोग बता रहे थे कि कोड इज नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई मैंने ये बताया आपको कि आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। बीच में 3 A है, 1, 2, 3, ये 3 A याद रखना। मिश्रा आरती @gmail.com, यू कैन यूज़ दिस कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। एंड 10% डिस्काउंट आपको अपने क्रेडिट यूज़ करके मिल जाएगा, जो आप वीडियो देखते हो तो उससे आपको क्रेडिट मिलता है। और 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप 6 month का लेते हो पूरा, मतलब सब्सक्रिप्शन, तो पूरा प्रॉपर मिला करके हो गया 40% डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट हो गया सारा मिला करके। तो ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत। ठीक है, चलो फिर अब हम वापस चलते हैं, हम मिनियाचर पेंटिंग्स की बात करते हैं। देखिए, मिनियाचर पेंटिंग्स में क्या हो रहा है, ये माना जाता है कि ये एक तरीके से मेनुस्क्रिप्ट्स में जो लिखा जाता था उसी को डिपिक्ट करने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए मिनियाचर पेंटिंग्स का यूज़ किया जाता था। इसमें रेड लीड पेंट जो है बड़ा ही यूज़ किया जाता था, और ये जो पेंट है इसमें मेनुस्क्रिप्ट्स में लिखी हुई जो बातें हैं उसी को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा था। मिनियाचर पेंटिंग में हम देखेंगे कि बहुत सारे ह्यूमन फिगर होंगे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होंगे, और उनकी साइड प्रोफाइल ज़्यादा दिखाई जाती है, उनकी साइड प्रोफाइल ज़्यादा दिखाई जाती है उन फिगर्स की। और यहाँ हम देखेंगे कि यूजली इनकी बल्जिंग आइज़ होती है, और उनके जो नोज़ होते हैं बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, स्लिम उनकी वेस्ट होती है। इस प्रकार से पेंटिंग में ये जो ह्यूमन फिगर्स हैं दिखाए जाते थे। जो राजस्थानी मिनियाचर होगा उसमें हम देखेंगे कि जो स्किन कलर है वो ब्राउन है, और जो मुगल पेंटिंग है वहाँ हम देखेंगे कि जो स्किन कलर है वो फेयर है। और ज़्यादातर इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग थीम रखा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस थीम होगा। कई बार इसमें जो है कोर्ट के अंदर जो चल रहा है उसको भी दिखा सकते हैं, कई बार इसमें नाचना गाना जो चलता है उसको भी दिखा सकते हैं, कई बार इसमें भगवान लॉर्ड कृष्ण और राधा का जो प्रेम संगम है वो सब भी दिखाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें जो हैं पेंटिंग्स में हम देख पा रहे थे। तो इसमें कई बार इसे हम कह रहे हैं कि ये बहुत डिवाइन है, लॉर्ड कृष्ण जो है जो भी डिवाइन है तो उसको हम ब्लू कलर से दिखाएंगे, लॉर्ड कृष्ण को ब्लू कलर से दिखाएंगे। जो वुमेन फिगरिन है उनके हम देखेंगे कि बड़े लॉन्ग हेयर थे, और उनकी जो आईज और हेयर है जनरली ब्लैक होती थी, और जो मेन है वो जनरली ट्रेडिशनल क्लोथ्स ही पहनते थे, वो पगड़ी वगैरह सब कुछ पहनेंगे, जो कि इंडियन ट्रेडिशन का जो भी इंडियन ड्रेसेस होती हैं वो सब ये पहना करते थे। तो मिनियाचर पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती थी। अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम अपने बुक्स पढ़ते हैं, हमारे बुक्स में कैसे होता है कि जो हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड उसी बुक के अंदर उसी चीज़ से जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कोई ना कोई फोटोग्राफ होती है उसको इलस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए। तो वैसे ही इस मिनियाचर पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, जो मेनुस्क्रिप्ट में लिखा है उसी को इलस्ट्रेट करने के लिए। लेकिन बाद में इसका यूज़ और भी तरीके से किया जाने लगा, बाद में इसको इसलिए भी यूज़ किया जाने लगा कि जो कोर्ट में चल रहा है, लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, लोग क्या क्या करते हैं, नाचना गाना, उनका उनका सेलिब्रेशन करना, उनको फेस्टिवल्स को मनाना, ये सब हमें मिनियाचर पेंटिंग्स में मिलने लगा। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि जो म्यूरल पेंटिंग्स थी वो एलोरा केव में 5 caves में मिली थी, और उसमें हम देखते थे कि ज़्यादातर वो जो है दीवारों पर बनी रही हैं म्यूरल पेंटिंग्स, लेकिन यहाँ पे ये जो मिनियाचर पेंटिंग्स हैं ये दीवारों पर नहीं बन रही हैं,
यहाँ हम देखेंगे कि ये जो मिनियाचर पेंटिंग है ये या तो बुक्स पे मिलेंगी या एल्बम्स में मिलेंगी, और इसको जो है पेरिशेबल मटेरियल में पेपर या पाम के पत्तों पर हम देख पाते थे। कई बार इसको कपड़े पर भी बनाया जा सकता था। हम मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये एक रिएक्शन है टू दी एनॉर्मस वॉल पेंटिंग, जो इतनी बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग बन रही थी उसका एक रिएक्शन, उसका एक बिल्कुल उल्टा, जो कि डेवलप होता है बिटवीन 9th and 11th century। ये जो पेंटिंग है इसे हम कह सकते हैं कि ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन जो है इंडिया का वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता था। इसके अंदर दो प्रोमिनेंट स्कूल है, अर्ली मिनियाचर स्कूल के दो प्रोमिनेंट स्कूल हैं, यानी कि दो प्रोमिनेंट ग्रुप हैं जिसे हमें फोकस करके समझना है। पहला होगा पाला स्कूल ऑफ आर्ट। पाला स्कूल ऑफ आर्ट में हम देखेंगे कि इसका जो डेवलपमेंट है 750 से 1150 AD के बीच में हुआ। ये जो पेंटिंग्स हैं जनरली हमें मेनुस्क्रिप्ट्स के पार्ट के रूप में मिली हैं, जैसे कि मेनुस्क्रिप्ट है, आप यहाँ देखिए इस इमेज में कुछ लिखा हुआ है मेनुस्क्रिप्ट वगैरह, उस मेनुस्क्रिप्ट का ही पार्ट होगी। मेनुस्क्रिप्ट में जो लिखा है उसको ज़्यादातर दिखाने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इसे ज़्यादातर पाम के पत्ते या वेलम के पेपर पर बनाया जाता था। ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है इसको यूज़ किया करते थे, और इसके द्वारा जो भी उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको लिखा करते थे, बताया करते थे। ये कहते थे कि नॉन वायलेंस होनी चाहिए अगेंस्ट ऑल लिविंग बींग्स। इन्होंने कहा कि भाई हम जो है हम अगर इस चीज़ के बारे में पेंटिंग्स कर रहे हैं तो इसका मतलब लोगों के मन पर असर पड़ेगा, लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ हमें नॉन वायलेंस करनी है। तो इस तरीके से जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट है ये डेवलप हुआ। अच्छा, पाला स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हो रहा है तो पाला स्कूल कहाँ होगा डेवलप, बताइए। जो पाला स्कूल है वो कहाँ डेवलप होगा, टेंपल आर्किटेक्चर याद कीजिए। जब हम लोग टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, पाला स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, तो वो कहाँ पर डेवलप था, कौन से वाले एरिया में? बंगाल वाले रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, बंगाल वाला जो इलाका है, जो ईस्टर्न इलाका है वहाँ पर हम देखेंगे। इस टाइम में ये लोग बनाना और कोकोनट ट्री लीव्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका स्टिपुलेशन है, इसको जो है मतलब इसको नहीं देख रहे हैं, बाकी सब जो वेलम के पेपर है, पाम के जो पत्ते हैं उसका ये प्रयोग किया करते थे पाला स्कूल ऑफ आर्ट में। इसके बाद हम बात करेंगे अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट की। अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट गुजरात और मेवाड़ रीजन में, राजस्थान के इलाके में ये देखने को मिलता था 11th to 15th century में। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट अपना लेकर के ये आए थे वो था गीत गोविंद का कॉन्सेप्ट, सेकुलर लव का कॉन्सेप्ट, गीत गोविंद एंड सेकुलर लव। इनकी पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि ये जो है ज़्यादातर जैन आइसनोग्राफी इसमें ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो आपसे इसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट है जिसमें कि जैन आइसनोग्राफी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जैन थीम्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो आपको बताना है कि वो है अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट। अब हम देखते हैं कि जो मुराल पेंटिंग्स है धीरे धीरे उसका डायमेंशन रिड्यूस हो गया है, क्योंकि मिनियाचर पेंटिंग में एक तरीके से वो चीज़ें जिसको पहले बड़ी बड़ी दीवारों पर बनाया जाता था अब उसे एक छोटे से पेपर पर बनाया जा रहा है। इसका फीचर क्या है कि जो ह्यूमन फिगरेन है पेंटिंग के अंदर, हम देखेंगे कि उनकी फिश शेप की बल्जिंग आईज है, और डबल चिन ज़्यादातर हम देखते थे, पॉइंटेड नोज देखते थे, और इसमें हम देखते थे कि मोस्ट फेमस जो इसका एग्जाम्पल है वो है कल्प सूत्रा एंड कालक कचरिया कथा, ये 15th century में चल रही थी। ये जो कल्प सूत्रा और कालचक्रिया कथा है, ये कथाएं भी जो रिलीजियस थीम है और जो उस टाइम के एपिक्स लिखे जाते थे उससे रिलेटेड ये कथाएं हुआ करती थी। तो ये अर्ली मिनियाचर पेंटिंग्स के दो पार्ट हमने कवर किए। अर्ली मिनियाचर पेंटिंग का पहला स्कूल है पाला स्कूल ऑफ आर्ट, और दूसरा स्कूल है अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि 11th से 15th century में डेवलप हुआ। अब ये जो मिनियाचर आर्ट है, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई तो उसमें भी ये आगे बढ़ा। अब दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता था। सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में इसका जो प्रयोग किया जा रहा था वो हो रहा था जो कुकरी बुक्स होती हैं,
जो कुकिंग वाली, उनके रिलेटेड जो किताबें होती हैं उसे कहते थे निमातनमा, उनके बारे में लिखते हुए, उनका एग्जाम्पल देते हुए इस पेंटिंग को यूज़ किया जाना शुरू किया गया। और ड्यूरिंग नासिर शाह जो कि मंडू के रूलर थे, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये दिखाते हैं इंडिजिनस एंड पर्शियन स्टाइल का मिक्सचर सिंथेसाइज हो रहा है, इंडिजिनस और पर्शियन स्टाइल दोनों मिक्स हो रहा है, इंडिजिनस स्टाइल और पर्शियन स्टाइल का मिक्सचर हम देख पा रहे थे। इसके बाद लोदी खुलदर थे जो कि बहुत ही इस टाइम में मतलब प्रिवेलेंट थे इन दिस पीरियड, और इस टाइम में हम देखते हैं कि ये भी इस पेंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, मिनियचर आर्ट। अच्छा, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा आर्ट जिसमें कि चीज़ों को बिल्कुल छोटा छोटा बनाया जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक जगह पर ला करके पेंटिंग में ड्रॉ किया जाएगा, मिनियचर आर्ट। फिर मुगल एरा में मिनियचर पेंटिंग और भी ज़्यादा डेवलप होने लगी। अब इनका जो फोकस था वो थोड़ा सा अलग तरफ चला जाता है। पहले हम देखते थे कि मिनियचर पेंटिंग में गॉड, गॉडेसेस, भगवान और एपिक्स, ये सब जो थीम्स हैं हुआ करते थे, लेकिन मुगल एरा में इन्होंने रूलर्स को ग्लोरीफाई करने के लिए पेंटिंग्स को यूज़ किया। तो रूलर्स की लाइफ कैसी है, रूलर्स के दरबार कैसे, दरबार में क्या क्या होता है, ये सब दिखाया जाता था। इस टाइम में हंटिंग सीन्स और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, कोर्ट की रिलेटेड जो पेंटिंग्स हैं, वो इस टाइम में मुगल एरा मिनियचर पेंटिंग में यूज़ हो रही थी। इस टाइम में भी ब्रिलियंट कलर्स का यूज़ हो रहा है, बहुत बढ़िया कलर्स का यूज़ किया जा रहा है, और ये जो टाइम है मुगल एरा का, इसमें केवल और केवल मिनियचर पेंटिंग्स ही यूज़ होती थी और बाकी और कोई पेंटिंग ये यूज़ नहीं कर रहे थे। अगर हम मुगल पेंटर्स की बात करें तो अर्ली मुगल पेंटर्स में सबसे पहले आते हैं अकबर। अकबर ने एक पूरा एंटायर डिपार्टमेंट सेटअप किया था पेंटिंग के लिए, उन्होंने एक आर्टिस्टिक स्टूडियो भी खोला था जिसका नाम था तस्वीर खाना। ये फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो जो उन्होंने खोला था, यहाँ पे आर्टिस्ट को हायर किया जाता था सैलरी के पर्पज़ पर, और इनको कहा जाता था कि आप अपना काम करो और अपना खुद का जो स्टाइल है वो डेवलप करो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो पेंटर्स हैं और इस प्रकार के जो लोग जिनको कि पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है, वो अभी बड़े खुश हैं, पर बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उनको पैट्रोनाइज नहीं कर रहा है कोई, उनको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है, तो वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हो गए। इसीलिए भारत का आर्ट एंड कल्चर डिक्लाइन हो जाता है। ब्रिटिशर्स के टाइम में आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हम उतना ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। जो थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया वो ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए और अपने हिसाब से किया, जो कि बहुत लिमिटेड लेवल पर है। जो भारतीय संस्कृति है और उसका जो आर्ट है वो खो जाता है इसके बाद से। तो इन्होंने तस्वीर खाना जो बनवाया था, इसमें हम देख रहे हैं कि इंडियंस, बहुत सारे इंडियन पेंटर्स आए, तो अब जो है मुगल पेंटिंग में भी इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलने लगा। अकबर के पीरियड में हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स को देखते हैं और फॉर शॉर्टनिंग जो टेक्निक है उसको भी कंटिन्यू किया जा रहा था। ये लोग कैलीग्राफी का भी यूज करते थे इन दी पेंटिंग्स। अच्छा, ये फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक क्या होती है, व्हाट इज फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक, इसका क्या यूज होता है पेंटिंग में, लेट मी सी कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, किसी चीज़ को ऐसे पेंट करना कि वो हमें बहुत नज़दीक लगे, हमें ऐसा लगा कि वो जो चीज़ है उसके और हमारे बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो गया है, ठीक है, उसके और हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया है। पेंटिंग कुछ इस तरह से लग रही है हमें कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही सामने से, करीब से जो है हमें देख रही है, ठीक है। हाँ, डेप्थ एंड डिस्टेंस को कैसे यूज़ किया जा रहा है कि वो हमें बहुत सामने से देखती हुई लग रही है, नहीं एक फिगर को बहुत, एक ही पेंटिंग में बहुत सारे फिगर्स को कैप्चर करना, नहीं ये नहीं होगा। ऐसा हमें लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे बहुत करीब है, डिस्टेंस बहुत कम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत कम होता दिख रहा है, ओके।
ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि कैसे जो है मुगल पेंटर्स जो हैं, अर्ली मुगल पेंटर्स कैसे टेक्निक्स को यूज कर रहे थे। तो फेमस जो पेंटर्स हैं इस पीरियड में, उसमें थे दसवंत एंड बसवान एंड केसु। प्रोमिनेंट जो इस टाइम में मेनुस्क्रिप्ट का इलस्ट्रेशन हो रहा था वो था तूतीनामा, हमजानामा, अनवरी सुहाइली एंड गुलिस्तान ऑफ सादी। इन सब चीज़ों के लिए ये मेनुस्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए इसके ऊपर भी पेंटिंग्स बना रहे थे। फिर आए जहांगीर। जहांगीर जो है वो बड़े नेचुरलिस्टिक थे, इनको जो है ये प्रेफर करते थे पेंटिंग में फ्लोरा एंड फाउना का बनवाना। तो फूल पत्तियों से इनको लगाव था, फ्लोरा फाउना ये इनकी पेंटिंग्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये नेचुरलिज्म लेकर के आए अपनी पेंटिंग्स में। इन्होंने डेकोरेशन के लिए क्या किया कि ज़्यादातर फ्लोरा फाउना को यूज़ किया। इस पीरियड में डेकोरेटेड मार्जिन्स का टाइम भी डेवलप हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कब वो टाइम है जब डेकोरेटेड मार्जिन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ इंडियन पेंटिंग्स में। डेकोरेटेड मार्जिन्स का मतलब क्या है कि ऐसे मार्जिन बनाई जाएगी पेंटिंग के आसपास और ऐसे डेकोरेटेड किया जाएगा इसको, और बीच में जो है पेंटिंग फिर बनाई जाएगी। तो जहांगीर खुद भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वो खुद उनका प्राइवेट वर्कशॉप भी था, लेकिन हाँ उनके द्वारा किया गया कोई भी वर्क अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाया है। और नेचुरलिस्टिक पेंटिंग में हम देखते थे इसमें जेब्रा, टर्की, कॉक, ये सब अलग अलग एनिमल्स और जो अलग अलग प्रकार के पंछी हैं उनकी तस्वीर बनवाई जाती थी। इस टाइम के जो मोस्ट फेमस आर्टिस्ट थे उनका नाम था उस्ताद मंसूर, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट थे इन ड्राइंग द फीचर्स ऑफ मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेसेस। जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेसेस हैं उसको भी ये बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लिया करते थे, उस्ताद मंसूर। फिर शाहजहां आए। शाहजहां के टाइम में थोड़ा सा आर्टिफिशियल एलिमेंट देखने को मिलता है, ये नेचुरलिज्म की तरफ नहीं है। इन्होंने अपनी पेंटिंग में लाइवलीनेस को रिड्यूस कर दिया, ये अननेचुरल स्टिलनेस को लेकर के आए पेंटिंग में, क्योंकि ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। क्योंकि जब यूरोपियंस आए थे तो उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल लेकर के आए, और उसी स्टाइल को मुगल्स भी थोड़ा थोड़ा जो है उससे इंस्पायर हो रहे थे। तो इन्होंने जो है चारकोल का यूज किया और आर्टिस्ट को कहा कि वो स्केच बनवाए, पेंसिल स्केच बनवाए। तो पेंसिल स्केच जो है वो बनाया करते थे। इस टाइम में हम देखते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर का पेंटिंग में बहुत ज्यादा जो यूज है इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये ब्राइटर कलर्स का यूज करते थे। पहले के जो इनके मतलब प्रेडिसेसर थे यानी कि अकबर और जहांगीर और पुराने जो पेंटर्स हुआ करते थे वो इतने ब्राइट कलर्स का यूज नहीं करते थे जितना ये यूज करते। इसके बाद अगली है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर होता क्या है कि राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हो रही है, और इस टाइम में हम देखेंगे कि राजस्थान में तो अलग अलग बहुत सारे स्कूल्स होंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग एरिया में होंगे। सबसे पहले हम मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में हम देखेंगे कि डोमिनेटेड थी ये बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगरिंग ऑफ शाहिबद्दीन। शाहिबद्दीन की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ी पेंटिंग है वो बिल्कुल उसका स्टाइल चेंज हो गया। अब ये जो मेवाड़ कोर्ट का जो लाइफ है और जो दरबार में चीज़ें होती है वो सब इसमें दिखाया जाने लगा। इस पीरियड में एक तमाशा पेंटिंग शुरू हुई थी। तमाशा पेंटिंग में क्या होता था कि जो कोर्ट के अंदर ओकेजन्स होते हैं, सेरेमनी होती है, तो उस टाइम में जो चीज़ें होती हैं उसको डिटेल के साथ दिखाना। तो ये तमाशा पेंटिंग जो है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का हिस्सा हुआ करती थी। फिर है कृष्णगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग जो कृष्णगढ़ स्कूल में है वो ज़्यादातर रोमांटिक लेजेंड से एसोसिएटेड है, जैसे कि सबत सिंह। हम देखते हैं कि बानी थानी, उनकी जो प्रेम कथा है उसके बारे में ये ज़्यादा दिखाया गया है इस पेंटिंग्स में। तो इसमें जो भक्ति रोमांस है, भक्ति मूवमेंट है और जो मिथ्स हैं उन सब चीज़ों को ज़्यादा कोशिश करके दिखाया जा रहा है। इस टाइम में निहाल चंद जो है वो बड़े इस टाइम में मतलब इम्पॉर्टेंट पेंटर थे, जिन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई। कई सारी पेंटिंग्स में डिवोशनल थीम रहता था जिसमें कि राधा और कृष्ण का रिलेशन दिखाया जाता था। फिर आता है बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसमें हम देखते हैं कि ये दो किंगडम हुआ करते थे, बूंदी और कोटा, जिनको कि पहले साथ में मिला करके बोलते थे हदोती। यहाँ पर कृष्ण भक्ति का बहुत ही ज़्यादा रोल देखने को मिलता है पेंटिंग में। तो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड ये ज़्यादा पेंटिंग्स किया करते थे।
बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसमें हम लोकल वेजिटेशन को देखते हैं कि बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है। हम इसमें देखते हैं कि जो ह्यूमन फेसेस है वो राउंड है विद पॉइंटेड नोज, एंड जो कलर ऑफ द स्काई है उसको डिफरेंट कलर से पेंट किया जाता था। कई बार एक रेड रिबन जो है वो विजिबल होता था स्काई में, तो मतलब स्काई का कलर बहुत अलग अलग तरीके से दिखाया जाता था। इसके बाद आता है अंबेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। इस टाइम में हम देखेंगे कि बहुत सारा जो कलेक्शन है जो प्राइवेट हैंड्स में रहा वो तो रह गया, लेकिन वो जो है अनपब्लिश था। अंबेर स्कूल ऑफ पेंटिंग को धुंधार स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। इस टाइम में हम पहली बार देखते हैं कि जो वॉल पेंटिंग है बैराज की, राजस्थान की, उसका एविडेंस हमें मिल रहा है। इस टाइम में होता क्या था कि जो वॉल्स हैं उनके ऊपर पेंटिंग की जा रही थी, तो जो पैलेसेस हुआ करते थे, जो उनके महल हुआ करते थे राजस्थान में, या उनके जो मसूलम हुआ करते थे, उन महलों की दीवारों पर ये पेंटिंग्स की जा रही थी। इस टाइम में हम देखते हैं कि खूब सारे जो लोग हैं वो मुगल स्टाइल के कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, हेड गियर पहना हुआ है, और इस टाइम में जो ओवरऑल फिनिशिंग है पेंटिंग की उसको फोक स्टाइल से बनाया जाता था। इस टाइम में हम देखते हैं कि सवाई प्रताप सिंह का टाइम था 18 सेंचुरी में, और वो बहुत ही रिलीजियस मैन थे, काफ़ी वो बहुत ही पैशनेट थे आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, तो उसको बहुत ज़्यादा वो पैट्रोनेज दे रहे थे। फिर हम देखते हैं कि इस टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग जो है वो शुरू हो रही थी, और इस टाइम में हम देखते हैं भगवत पुराण, रामायण, रंगमाला और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो पोर्ट्रे हो रही थी, उसका इलस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है अंबेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में। फिर आती है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये जो है मोस्ट एक्सटेंसिव स्कूल ऑफ पेंटिंग है, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारा सब्जेक्ट और बहुत सारा आर्ट डेवलप हो रहा है, और इससे हमें लोकल आर्ट के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। इसमें जोधपुर बीकानेर वाले जो इलाके हैं वो देखने को मिलते हैं। इन दोनों जगहों पर रूल किया जा रहा था राठौड़ के द्वारा। जैसलमेर का जो इलाका है वहाँ पर भातीज रूल कर रहे थे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेंटिंग इस टाइम में देखने को मिलती है। तो मान सिंह जो है इनका टाइम है 1803 से 1843 के बीच में, और इसके बाद भी सीरीज ऑफ पेंटिंग जिसमें शिव पुराण, नाटचित्रा, दुर्गचित्रा, पंचतंत्र के ऊपर कई सारी पेंटिंग्स बनाई जा रही थी। देन कम्स दी बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये 16th to 18th सेंचुरी रहा। अर्ली पेंटिंग्स फ्रॉम बीकानेर ये जो है ये पटशाही चित्रकारी में बनाई जाती थी, बिल्कुल मुगल आर्ट से ये जो आप कहो कि इंस्पायर्ड है। और इसमें हम देखते थे कि जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे स्टेज पेंटिंग होती है उसको दिखाया जा रहा है, जिसमें कि दिखाया जाएगा कि जो राजा हैं उनके सामने कई सारी जो डांसर्स हैं वो डांस कर रही हैं, म्यूजिशियन हैं जो म्यूजिक कर रहे हैं और वो अपना आर्ट दिखा रहे हैं, और इसी को कह रहे हैं पटशाही चित्रकारी। उनका जो शाही कल्चर है वो देखने को मिल रहा था बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में। फिर आता है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये पहाड़ी जो इलाके थे सब हिमालयन जो स्टेट्स थे वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। 22 प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि जम्मू से लेकर अल्मोरा तक जा रहे थे, और इसमें हम देखते हैं कि दो ग्रुप होंगे, जम्मू और डोगरा स्कूल एंड बशोली एंड कांगरा स्कूल। तो जम्मू एंड डोगरा स्कूल होगा वो नदर्न सीरीज में आएगा, एंड बशोली एंड कांगरा स्कूल आएगा सदर्न सीरीज में। यहाँ जो थीम्स हैं इसमें हम देखेंगे कि ज़्यादातर माइथोलॉजी है, एंड इसमें लिटरेचर है, और इसमें कुछ न्यू टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जा रही थी। एक टिपिकल जो पहाड़ी पेंटिंग है उसमें देखेंगे हम कि एक बहुत सारे जो सेवरल फिगर्स है वो कैनवस पर लेकर के आएंगे, और वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ मूवमेंट है, बिल्कुल फुल ऑफ मूवमेंट है। हर एक फिगर जो है उसका एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, कलर है, पिगमेंटेशन है, हर फिगर एक दूसरे से अलग लग रहा है। इस टाइम के दो बहुत ही मेन पेंटर्स हैं नैनसुख एंड मनकू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर्स हुआ करते थे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। फिर जो कांगरा स्कूल है इसमें हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा था, तो जो लोग ट्रेन थे मुगल स्टाइल में, वो सारे पेंटर जो मुगल स्टाइल में ट्रेन थे वो माइग्रेट होकर के कांगरा आ गए। जब वो कांगरा आए तो कांगरा के जो राजा थे उस टाइम में गोवर्धन सिंह 1774 में, उन्होंने इनको बोला कि ठीक है आप यहाँ पे रहें, तो पैट्रोनेज दे दिया। इसकी वजह से नया एक स्कूल शुरू हुआ, गुलेर कांगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें हम देखते हैं कि ये जो स्कूल है इसको राजा संसार चंद ने भी काफ़ी पैट्रोनेज दिया। इसमें हम देखते हैं कि सेंसुअलिटी दिखाई जा रही है, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो राधा कृष्ण है और उनका गोपियों के साथ जो संबंध है वो दिखाया जा रहा है।
इसमें 12 जो महीने होते हैं उनको अलग अलग तरीके से इमोशंस के द्वारा, एक ह्यूमन बीइंग की इमोशन के द्वारा दिखाया गया, इसको पर्सोनिफाई करके दिखाया गया कि हर 12 महीने में ह्यूमन का इमोशन कैसे चेंज होता है। तो ये था कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। लास्ट में हम ये थोड़ा देखेंगे बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग का, थोड़े से और बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा ये पेंटिंग वाला चैप्टर कवर हो जाएगा। 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसकी शुरुआत हो रही है। अब हम देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव फेसेस बनाए जा रहे थे। इस टाइम में हम देखे थे कि हेयरलाइन बहुत ही अच्छी सी और बहुत बड़ी बड़ी आईज होती थी इनकी, लोटस पेटल के जैसे, और हम देखते थे कि ये लोग मुगल टेक्निक को ही बहुत यूज़ कर रहे हैं, वही क्लोदिंग वही स्टाइल, उसको भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर से हो रहे हैं उससे। बाकी इनका जो अपना स्टाइल और टेक्निक है उसको भी ये लोग डेवलप कर रहे थे। सबसे पहले राजा कृपाल सिंह ने इसको पैट्रोनेज दिया। इसके बाद जो है स्कूल में और भी पेंटर्स आए, जैसे कि देवीदास आए जो कि बड़े ही फेमस थे। इन्होंने भी राधा कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ डिपिक्ट किया पेंटिंग में, और इन्होंने काफ़ी कुछ जो है बोरो किया था मालवा पेंटिंग से, जो मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग है उससे। तो ये बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग था जो 17th सेंचुरी में डेवलप हुआ। देन आती है रंगमाला पेंटिंग। रंगमाला पेंटिंग में सीरीज होता था, इसमें जो है एकदम आप कहो कि जैसे राग होते हैं तो राग की एक सीरीज होती है, तो इसे भी गार्लैंड ऑफ रागास कहा जाता था। तो जो म्यूजिकल राग है उनको पर्सोनिफाई करके रंगमाला पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। इसमें आर्ट, पोएट्री, क्लासिकल म्यूजिक जो मिडिवल इंडिया का था उसी का एमलगेमेशन देखने को मिलता था। तो ये हमें इस टाइम में रंगमाला पेंटिंग्स में बहुत देखने को मिलता। इस टाइम में हम देखते थे कि हर एक राग को अलग अलग कलर से दिखाया जा रहा है, उसकी एक स्टोरी दिखाई जा रही है। हर एक राग को समझाने के लिए एक हीरोइन हीरोइन है, जिसे कि नायक और नायिका कह सकते हैं, वो अपने एक पर्टिकुलर मूड में है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो उसको पेंटिंग के द्वारा दिखाया जा रहा है। 6 प्रिंसिपल राग थे इसमें रंगमाला में, भैरव राग, दीपक राग, श्री राग, मालकुश, मेघा और हिंदोला। ये 6 राग हैं और ये नाम आपको पता होने चाहिए, पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेजर क्वेश्चन बनता है। भैरव, दीपक, श्री, मालकुश, मेघा एंड हिंदोला, ये 6 जो राग हैं ये हमें रंगमाला स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे राग को पर्सोनिफाई किया गया है। तो आप जो है रागमाला ऐसे करके याद रखेंगे, राग से रिलेटेड है तो रागमाला पेंटिंग हो गया। ये नॉर्थ इंडिया का अब जो है हमारा कवर हुआ। अब हम थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ आएंगे। साउथ इंडिया में भी देखेंगे कि जो मिनियाचर पेंटिंग्स हैं साउथ इंडिया में कैसे डेवलप हो रही थी। तो साउथ इंडिया में क्या है कि गोल्ड का बहुत ही हैवी यूज़ है इन पेंटिंग्स में, गोल्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम जानते ही हैं कि साउथ इंडिया में तो लोग वैसे भी सोना काफ़ी पसंद करते हैं, है ना, बहुत पसंद होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पेंटिंग जो है उसमें हम देखेंगे डिवाइन क्रिएचर्स हैं। तो तंजोर पेंटिंग इसमें सबसे पहला स्कूल है। इसमें हम देखते थे कि डेकोरेटिव पेंटिंग है, जो मराठा रूलर्स थे उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया था 18th सेंचुरी में। और इन्होंने जो है ज़्यादातर इसमें क्या किया कि पेंटिंग को बनाने के लिए वो क्या करते थे, वो ग्लास के ऊपर या बोर्ड के ऊपर बनाया करते थे, वो क्लोथ के ऊपर या वेलम का जो है कपड़ा या कुछ और पेपर वगैरह पर नहीं बनाते थे। ये तो या तो कांच पर बनाएंगे या तो बोर्ड पर बनाएंगे पेंटिंग को, ये कपड़े या पेपर पर पेंटिंग को नहीं बनाते थे। इनका एक यूनिक बेस ये था कि ये ब्रिलियंट कलर्स का यूज़ करते थे, और गोल्ड लीफ का बहुत ही लिबरल यूज़ हमें देखने को मिलता है। हर जगह गोल्ड लीफ का यूज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस टाइम में हम देखते थे कि बहुत सारे जेम स्टोन्स और कट ग्लासेस का यूज़ करके इस पेंटिंग को सजाया जाता था। इसमें कृष्ण को अलग अलग पोजेज में दिखाया गया है, और उनकी लाइफ के जो मेजर इवेंट्स हैं कृष्ण की लाइफ के वो भी दिखाए गए हैं। इसको सबसे ज़्यादा जो पैट्रोनेज दिया था वो थे सरफौजी महाराज। फिर आती है मैसूर स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के जो फिगर हैं वो सबसे ज़्यादा बनाए जाते थे। इसमें हम देखते हैं कि साइज, कलर, हर एक चीज़ में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। 2 या 2 से ज़्यादा इसमें फिगर हो सकते थे हर एक पेंटिंग में। इसमें गेसो पेस्ट का यूज़ होता था, यानी कि एक मिक्सचर होता है जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम का, उसको मिला करके जो पेस्ट बनता है गेसो पेस्ट, उसको पेंटिंग में यूज़ किया जाता था। इस टाइम में जो कलर्स हैं ज़्यादा ब्राइट नहीं है, म्यूटेड कलर्स का ज़्यादा यूज़ किया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग में और मुगल पेंटिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो इनिशियली ये जो है ये कैसे बेस्ड है, ये बेस्ड है मिराल एंड फ्रेस्को फॉर्म्स पर। इसमें हम देख रहे हैं कि पेस्ट के ऊपर पेंटिंग बनाना, दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाना, ये शुरू करते हैं। बाद में फिर इन्होंने मिनियाचर पेंटिंग बनाना शुरू किया।
लेकिन मुगल पेंटिंग में हम देखते हैं कि पर्शियन मिनियाचर पेंटिंग स्टाइल को ही ये फॉलो करता है, ये केवल मिनियाचर पेंटिंग को ही फॉलो करता है। तो क्या मुगल टाइम में, मुगल एरा में या मुगल पेंटिंग में हमें कभी वॉल पेंटिंग्स देखने को मिली? यस और नो बताइए। क्या हमें मुगल टाइम में, मुगल एरा में कभी वॉल पेंटिंग्स देखने को मिली? ब्रिलियंट कलर का यूज होता है, मतलब विवेक कि बहुत ब्राइट कलर्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रंग कलर्स। तो हम देखते हैं कि कभी भी मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में कोई भी वॉल पेंटिंग का यूज नहीं होता था। मुगल स्टाइल में कहीं पे भी वॉल पेंटिंग का जो यूज है वो नहीं होता था, केवल मिनियाचर पेंटिंग का ही यूज होता था। अच्छा, राजपूत स्टाइल में हम देखते थे कि ज्यादातर डिवोशनल एंड रिलीजियस थीम जो है देखने को मिलते थे, लेकिन मुगल एम्परर जो है अपना हाउस होल्ड, उनका जो रॉयल शो है, रॉयल जो बैटल्स हैं, हंटिंग के सीन्स हैं, उनका जो अपना रॉयल हाउस होल्ड है वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते थे। राजपूत स्टाइल में हम हिंदू सिंबल, लोटस, पिकॉक, स्वान, इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज देखते हैं, जो कि हमें मुगल में देखने को नहीं मिलता। मुगल पेंटिंग्स में हमें ट्रीज, कैमल्स, फैकन्स, ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग 17th to 18th century में चलती है और मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग 16th to 18th century तक चलती है। यानी कि मुगल पेंटिंग जो है उसका टाइम स्पेन ज़्यादा है और जो राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसका टाइम स्पेन थोड़ा कम है। तो ये हो गया राजपूत एंड मुगल पेंटिंग्स के बीच का डिफरेंस। अच्छा, अब जब मुगल चले गए तो ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर के आए कंपनी पेंटिंग। इसमें हम देखेंगे कि पूरा का पूरा यूरोपियन एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यूरोपियन टेस्ट जो है वो बिल्कुल मिक्स हो रहा है इंडियन ट्रेनिंग के साथ। ये लोग वाटर कलर का यूज़ करते थे। ये पेंटिंग कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी, थंजावुर में चलती थी। इसमें हम देखते थे कि लॉर्ड इम्पे, मार्किस वेलेस्ली, इनको जो है ये पैट्रोनाइज कर रहे थे पेंटर्स को। और इस टाइम में जो पेंटर्स हैं वो फ्लोरा फाउना इंडिया का दिखाते थे, एग्जॉटिक फ्लोरा एंड फाउना। इस टाइम में जो मोस्ट फेमस हुआ करते थे वो थे सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, गुलाम अली खान। इस टाइम में जो पेंटिंग्स है ज़्यादातर हम देखेंगे कि 20th century तक चलेगी, 20वीं शताब्दी तक पाई जाएंगी। एक बाजार पेंटिंग इस टाइम में बहुत चलती थी। इसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई भी इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं लिया गया, ये बिल्कुल रोमन और ग्रीक इन्फ्लुएंस के ऊपर बेस्ड थी। इसमें जो पेंटर्स हैं वो ग्रीक एंड रोमन स्टेचूज को कॉपी करने की कोशिश करते थे। ये स्कूल जो है बंगाल और बिहार के रीजन में भी बहुत पॉपुलर हुआ। इसमें कई बार इंडियन कोर्ट सीन्स को दिखाया जाता था कि इंडियन जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के सामने, इंडियन कोर्ट सीन्स इनके सामने डांस कर रहे हैं या साफ सफाई कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती थी। और इंडियंस को हमेशा बैकग्राउंड में दिखाया जाता था, उनको हमेशा इन्फीरियर दिखाया जाता था और ब्रिटिशर्स को पेंटिंग में सुपीरियर दिखाया जाता था। इन पेंटिंग्स में हम देखेंगे कि जो रिलीजियस थीम है इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस के, वो सब इसमें अवॉइड किए जाते थे, जिसमें दो एक्सेस हैं गॉड के पास, एलिफेंट फेसेस हैं जैसे कि लॉर्ड गणेशा, ये सब ये लोग प्रोहिबिट करते थे क्योंकि ये यूरोपियन नोशन जो है उनका नेचुरल ह्यूमन पिग्रेन से उससे अलग था, उससे डेविएटेड था। इसीलिए वो लोग इस प्रकार की पेंटिंग्स में ऐसे फिगर्स वगैरह का यूज़ नहीं करते थे। फिर राजा रवि वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जब भी मॉडर्न पेंटिंग्स की बात आती है। तो मॉडर्न पेंटिंग्स में ये जो स्टाइल में इन्होंने काम किया, राजा रवि वर्मा, वो इसके ओरिजिनेटर थे और इन्होंने जो है साउथ इंडिया में काफ़ी काम किया। इन्होंने वेस्टर्न टेक्निक को बहुत यूज़ किया और उसमें जो है इन्होंने जो रामायण और महाभारत के जो सीन्स हैं वो इसकी पेंटिंग्स बनवाया करते थे। वो केरला के स्टेट से बिलोंग करते थे और उन्होंने जो है, उनको कहा जाता है कि ही वॉज राफेल ऑफ ईस्ट, यानी कि वो बिल्कुल ऐसी पेंटिंग बनाते थे कि वो राफेल ऑफ द ईस्ट कहलाते थे। इनका जो फेमस वर्क है वो है लेडी इन द मूनलाइट एंड मदर इंडिया। फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आया, ये इसमें नाम आता है अबिंद्रनाथ टैगोर का। अबिंद्रनाथ टैगोर जो है वो भतीजे थे रविंद्रनाथ टैगोर के और 20th century में इन्होंने
सीरीज बनानी शुरू की, अरेबियन नाइट सीरीज। ये जो है ग्लोबल स्केल पर इसका बहुत मार्क रहा, और इनके जो इस टाइम में जो फेमस और भी पेंटर्स थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, और उनकी पेंटिंग में हम देखते थे कि डोमिनेंट ब्लैक लाइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, और जो सब्जेक्ट होता था वो बहुत ही प्रोमिनेंट दिखता था, सब्जेक्ट काफ़ी प्रोमिनेंट दिखता था हमें। फिर आता है क्यूबिस्टिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इस स्टाइल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले ब्रोकन किया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उसको अरेंज किया जाता है, रीअसेंबल किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। इसमें रोमांस को भी पर्सोनिफिकेशन किया जा सकता है। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट है वो है MF हुसैन। इनकी एक सीरीज ऑफ पेंटिंग है जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस। फिर आती है मधुबनी पेंटिंग। ट्रेडिशनली ये जो गांव की महिलाएं थी उनके द्वारा किया जाता था मधुबनी टाउन में। ये जो है इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हिंदू गॉड मोटिव्स वो सब यूज किया गया है। इसमें कृष्ण, राम, दुर्गा, लक्ष्मी, शिव सबकी जो पेंटिंग्स हैं वो की जाती हैं। इसके अंदर जो है फिश दिखाता है गुड लक को और फर्टिलिटी को। सिंबल्स का यूज़ होता है इस पेंटिंग में। ये जब भी कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, बर्थ, मैरिज, फेस्टिवल, तो उसको लेकर के पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया जाता है। इसमें कहीं कोई गैप नहीं होता है। फ्लावर, ट्रीज, एनिमल्स का यूज़ करके गैप्स को फिल कर दिया जाता है। राइस पेस्ट को यूज़ किया जाता है, कोई शेडिंग नहीं होती है। ये टू डायमेंशनल होते हैं, डबल लाइन की बॉर्डर रहती है। 1970 में इसको रिकॉग्निशन मिला जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जगदम्बा देवी को ऑनर किया, जो कि जितबारपुर विलेज की थी, उनको अवार्ड दिया। और इसके बाद ये जो आर्ट है ये हम देख रहे हैं कि ये ज्योग्राफिकल एरिया में, क्योंकि स्पेसिफिकली लोकेटेड है, कन्फाइंड है, इसीलिए इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस भी मिल चुका है। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस भी अब मिल चुका है। ये है मधुबनी पेंटिंग। इसके बाद आती है पटचित्रा। पटचित्रा क्या है? ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है उड़ीसा की, जो कि कपड़े के ऊपर बनाई जाती है। तो ये कपड़े के ऊपर बनाया जाता है, और इसमें पेंसिल का या चारकोल का यूज नहीं होता है। नो पेंसिल और चारकोल इज यूज, कोई पेंसिल या चारकोल यूज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले पेंटिंग कर देते हैं, और जो फाइनल लाइंस होती है उसके लिए बाद में ग्लॉसी फिनिश के लिए उनको जो कोटिंग है वो की जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि जगन्नाथ एंड जो वैष्णव कल्ट है उसकी पेंटिंग ज़्यादातर इस टाइम में देखने को मिलती थी। इसमें पाम लीफ जो है, इसमें हम देखते थे कि जो पट चित्र है ये पाम लीफ के ऊपर बनाई जाएंगी, और जब इसको पाम लीफ के ऊपर बनाया जाएगा तो वो कहे जाएगी ताल पट चित्र। अगर पाम लीफ पर है तो फिर ताल पट चित्र, और अगर पत्ते पर नहीं है, लीफ पर नहीं है, केवल कपड़े पर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तब हम उसे कहेंगे पट चित्र। तो पटचित्रा और तालपटचित्रा में ये डिफरेंस है कि पटचित्रा होता है कपड़े पर, और तालपटचित्रा होता है जो लीफ है उसके ऊपर। फिर आया है पटुआ आर्ट। ये जो है मंगल काव्य या जो ऑस्पिशियस स्टोरीज होती है गॉड्स एंड गॉडेसेस की, उससे रिलेटेड है ये पटुआ आर्ट। ये जो पेंटेड है ये पोस्टर्स में इसके बारे में लिखा जाता था। इसमें दिखाया जा रहा है कि पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज के ऊपर कॉमेंट करते थे। तो ये जो है पटुआज मोस्टली मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से आते थे। ये पटुआ आर्ट बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ, और ये लोगों का जो सोशल कल्चर है उसके बारे में दिखा रहा है, और दिखा रहा है कि लोग कितना यूरोपियन इन्फ्लुएंस से प्रभावित हो रहे हैं, और उसमें भी हम देखते हैं कि कितना लोग उस स्टाइल से प्रभावित होते हुए इसको फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादातर इसमें जो ऑस्पिशियस स्टोरीज होती है गॉड्स एंड गॉडेसेस की, वो ज़्यादा दिखाई जाती है पटुआ आर्ट में। फिर आती है कालीघाट पेंटिंग। इसके बारे में आपकी जो NCERT की बुक्स है उसमें भी दिया गया है। कालीघाट पेंटिंग जो है ये अर्बन सोसाइटी जब चेंज हो रही थी कैलकटा की 19th century में, तो यहाँ के जो पेंटर्स हैं वो इसमें पेंटिंग्स कर रहे थे। तो जो रूरल माइग्रेंट्स थे वही ये पेंटिंग कर रहे थे। तो इसमें रिलीजियस नोट, सोशल सेंटीमेंट्स, और इसमें जो लोगों का हम देख रहे हैं ना कि डायरेक्टली जो उनके ऊपर कस्टमर्स को एड्रेस करने के लिए उनके सेंटीमेंट्स को दिखाने की कोशिश की जाती है, उसे कालीघाट पेंटिंग्स में दिखाया जा रहा था। इसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे लोग जो हैं वो भी वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं, वेस्टर्न तरीके से जीने लगे हैं, उसको इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा था। अगली है पार्टी कार पेंटिंग। इसे प्रैक्टिस किया जाता था ट्राइबल लोगों के द्वारा, जो झारखंड के ट्राइबल लोग हैं। आर्टिकार या जो स्क्रॉल पेंटिंग है वो झारखंड के ट्राइबल लोग करते थे। इसमें क्या करते थे ये, इनकी जो फेमस मोस्ट पॉपुलर गॉडेसेस हैं माँ मनसा, उन फेवरेट गॉडेस की ये पेंटिंग बनाई जाती थी। ये ट्राइबल हाउसहोल्ड में इनको बहुत पूजा जाता है। तो ये बताते हैं कि क्या होता है ह्यूमन लाइफ का पोस्ट डेथ, आफ्टर डेथ लोगों का क्या होता है, उसको रिलेटेड जो पार्टिकार पेंटिंग्स है वो की जाती है।
फिर अगली आती है कलमकारी पेंटिंग, इसमें जो पेन है वो यूज़ किया जाता है और इसे को मतलब शार्प पॉइंटेड बैम्बू का यूज़ करते हैं ताकि जो कलर का फ्लो है उसको रेगुलेट किया जाए, ये बहुत ही बारीक सी दिखती है। इसमें वेजिटेबल डाइस का यूज़ किया जाता है, इसमें जो है हम देखेंगे कि इसमें मछलीपट्टनम जो स्टेट आंध्र प्रदेश के अंदर का जो एक एरिया है, और श्रीकलस्ती ये भी एक एरिया है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, तो वहाँ पर ये आर्ट बहुत डेवलप हुआ था। यहाँ पे इमेजेस जो है वो फ्री हैंड से ड्रॉ की जाती हैं, हिंदू माइथोलॉजी से इसकी इंस्पिरेशन ली जाती है, हिंदू माइथोलॉजी को दिखाया जाता है। देन कम्स दी वरली पेंटिंग। इस ट्रेडिशन में हम देखेंगे कि ये 2500 से 3000 BC के बीच में चला। इसको वरलीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इंडिजिनस पीपल के द्वारा जो कि ऑक्यूपाई करते हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र का बॉर्डर, वो हैं ये वरलीज हैं, तो वर्लीज जो हैं ये यहाँ पर ये पेंटिंग बना रहे थे। ये क्या कर रहे थे, ये एक तरीके से आप कहें कि ये इनका क्लोज रिजेंबल है म्यूरल पेंटिंग के साथ, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। इसमें ये लोग रिचुअलिस्टिक पेंटिंग किया करते थे, इसमें ये लोग जो है इसमें सेंट्रल मोटिव्स का यूज़ करते थे, चौकट या चौक का यूज़ करके ये बनाएंगे, और इसमें ये लोग क्या दिखाएंगे, फिशिंग, हंटिंग, फार्मिंग, डांसेस, एनिमल, ट्रीज, फेस्टिवल्स, ये सब चीज़ें जो है दिखाया जाता था इन पेंटिंग में। इस टाइम में जो पाल घाट है जो कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मानी जाती हैं, उनकी बहुत सारी इमेजेस बनाई जाती थी। मेल गॉड्स में भी बहुत सारी इमेजेस बनाई जाती थी, इसमें दिखाया जाता था कि ह्यूमन फॉर्म में जो स्पिरिट्स हैं उनको शो किया जा रहा है। पेंटिंग को हमेशा दीवार पर बनाया जाएगा, वॉल पर बनाया जाएगा, और इनका जो शेप है पेंटिंग का वो इंस्पायर हुआ है नेचर से, जैसे कि सर्कल जो है वो सन या मून से लिया गया है, ट्रायंगल जो है वो ट्रीज के कॉनिकल शेप से लिया गया है, माउंटेन से लिया गया है, स्क्वायर जो है वो लैंड के पीस से लिया गया है। इस टाइम में क्या होता था कि जो मिक्सचर ऑफ मड है उसको यूज़ करेंगे, जो ब्रांचेस है काउडंग है उसको यूज़ करेंगे, और इससे एक रेड ओकर कलर यूज़ हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, उसको बेस में बनाएंगे और उसके बाद उस पर वाइट पिगमेंट से पेंटिंग करेंगे। तो इसमें मिक्सचर ऑफ गम एंड राइस पाउडर को मिलाएंगे, गम एंड राइस पाउडर को, और फिर वर्ली पेंटिंग्स को उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये होती थी वर्ली पेंटिंग्स। तो हमारा सारा पेंटिंग जो है वो कवर हो गया है, हमने सारी पेंटिंग्स जो है कवर कर ली हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेसन भी कवर हुआ, पेंटिंग इज डन, इंडियन पेंटिंग्स हम कवर कर चुके हैं। अब आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ लो, एनीथिंग, कुछ पूछना चाहोगे, कुछ डाउट? यस, देयर इज टू मच डाटा ऑन इंडियन पेंटिंग। यस यस, पिकॉक जो है वो बहुत फेमस थे मुगल एरा में, लेकिन वो लोग उसको दिखाएंगे नहीं, उनका नेचुरलिज्म है, सब कुछ है, बट वो ज़्यादा जो फोकस कर रहे थे वो अपने कोर्ट के ऊपर, अपने दरबार में जो इनकी चीज़ें हो रही हैं और जो उनकी रॉयल फैमिली में हो रहा है, वो मुगल आर्ट में ज़्यादा उसका फोकस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ठीक है, जस्ट रिवाइज एंड देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर। देखिए अभिषेक, पता है आपकी बुक में तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, मैंने तो बहुत शॉर्ट में कवर किया है, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वही मैंने कवर किया है। और इसके लिए देखो, हम ये नहीं कह सकते क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं, बिकॉज यूपीएससी इज़ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो इसको आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा इसको समझते रहिए, जितनी बार आप इसको रिवाइज़ करोगे पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे ये अपने आप याद होने लगेगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस वगैरह कवर करें। हाँ राहुल, ये ऐप पे नहीं है, ये यूट्यूब पर है, यूट्यूब में जो हमारी अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं ये उसका हिस्सा है, तो ये अभी आपको ऐप पर तो नहीं मिल पाएगा। यस, आदिवासी और जो ट्राइबल लोग हैं वो कर रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो वर्लीज हैं ये ज़्यादातर गुजरात महाराष्ट्र का जो इलाका है उसका बॉर्डर वाला जो एरिया है उसके बॉर्डर पर ये ऑक्यूपाई रहते थे और वहाँ पर ये लोग पेंटिंग किया करते थे। नहीं भारती, अभी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करने लगी है, बीच में इसका सपोर्ट बहुत कम हो गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, और फिर हम देखते हैं कि कहीं पे भी जो फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे इन पेंटिंग्स को बेचा जाता है। लेकिन हाँ यस, इसका जो है जितना मिलना चाहिए, जितना सपोर्ट और जितना इसको डेवलपमेंट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन यस करना तो चाहिए बिल्कुल।
हाँ रेफरल कोड आपको दोबारा दिया ना विश्व मोहित, अभी मैंने देखो ये रेफरल कोड आपको यूज करना है mishraaartee18@gmail.com, ठीक है, ये आपको यूज करना है। पेंटिंग में जो बॉर्डर का यूज शुरू होता है नसीम, हमने देखा कि पेंटिंग्स में बॉर्डर का यूज पहले से ही चल रहा है। बॉर्डर्स तो हम देख रहे हैं कि जब अजंता केव्स हो रही है तभी तो रेड कलर का पहले बॉर्डर बनाते थे फिर पेंटिंग की जाती थी, इसका तो यूज बहुत पहले से ही चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है। ओके ठीक है गाइस, फिर आज के लिए इतना ही। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको यूपीएससी सीएससी की कैटेगरी में आप जाएंगे। देयर आई एम ऑन दी लिस्ट ऑफ सेकेंड, आई एम सेकेंड टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, रोमन सैनी इज ऑन फर्स्ट रैंक एंड आई एम ऑन दी सेकेंड रैंक। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं, अगर आपको इंग्लिश वीडियोस देखनी है तो आप रोमन सैनी को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मिक्स वीडियो देखनी है आम बोलचाल की भाषा में विद हिंदी सब टाइटल्स एंड विद इंग्लिश सब टाइटल्स, तो फिर आप उसके लिए मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत, आर एस शर्मा, रमेश सिंह, शंकर आईएस, नॉर्मल लियो, ये सारी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं उनकी मैंने समरी बनाई हुई है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उसका पीडीएफ भी ले सकते हो। जैसे कि जब आप ये वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो प्ले करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है, जैसे कि आप देखिए आपने मेरा वीडियो प्ले किया तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको डाउनलोड का, ये इसके ऊपर आप प्रेस करोगे, इस बटन के ऊपर आप प्रेस करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे सेव करने का भी ऑप्शन होता है, आप इस वीडियो को ऑफलाइन सेव भी कर सकते हैं, आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं और आपको फ्री समरी मिल जाएगी यूपीएससी की सभी स्टैंडर्ड बुक्स की, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसकी, और उसमें जो समरीज है उसमें लेसन डेली ऐड होते हैं। यू कैन फॉलो मी देयर, आई हैव क्रॉस्ड मोर देन 6.6 मिलियन व्यूज ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म एंड मेरे 86,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो टू गेट द फ्री मटीरियल। तो और अगर आपकी कोई डिमांड है, अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, और आप मुझे वहाँ पर चैट करके मुझसे जो है अपनी बात कर सकते हैं, या आप मेरे जो लेसन है उसके कॉमेंट में भी अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब हम मिलेंगे कल, कल का टाइमिंग वही रहेगा सेम 9:30 से 10:30 सुबह मॉर्निंग में, तो 9:30 से 10:30 कल दोबारा हम मिलेंगे यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।